हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेट दिल्ली चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 83 यानी कॉक्सीट नंबर 83 की, जो क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र से रिलेटेड है और जिसे दिनांक 2 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल किया गया। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है निर्धनता एक चुनौती। तो अभी तक जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। असुरक्षित समूह मतलब ऐसा समूह जो सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो निर्धनता के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसे निर्धन लोग जो कम सुरक्षित हैं, तो ऐसे समूह को हम लोग देखेंगे। देखिए, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो निर्धनता रेखा एक औसत रेखा मानी गई है, उसके नीचे के भी जो परिवार हैं, ठीक है, उनको जो है सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में भी अगर देखा जाए तो एक रूपता नहीं है, एक समान नहीं है, उसमें भी अंतर हमें देखने को मिलता है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST परिवार है, ठीक है। जो ज़्यादा असुरक्षित हैं वो हैं SC और ST, भारत की बात करते हैं। तो इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरी अनियत मजदूर परिवार है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग सामाजिक समूह की बात दो रूपों में देख पा रहे हैं, सामाजिक समूह और आर्थिक समूह, तो सामाजिक समूह के रूप में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दयनीय स्थिति है वो SC और ST की, ठीक है। और जो अगर आर्थिक समूह की अगर बात करते हैं, तो जो ग्रामीण कृषि श्रमिक हैं, जो ग्राम के किसानी में जो श्रम देते हैं, ठीक है, जो गांव में श्रम देने वाले श्रमिक हैं कृषि में वो, और जो शहर में जो अनियत मजदूर हैं जिनकी रोज़ाना की फिक्स मजदूरी नहीं है, जिस दिन काम उसी दिन की सैलरी, तो वो सब जो मजदूर हैं उनकी स्थिति भी काफ़ी दयनीय है शहरों में। और आर्थिक रूप में अगर बात करते हैं, हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी कि ST को छोड़कर अन्य जो तीन समूह हैं, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो निर्धन हैं वो ST में हैं, और उससे अपेक्षा कर देखें तो अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर, इन लोगों की जो निर्धनता है उसमें कमी आई। आगे है, इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों के सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो परिवार गरीब है उस परिवार के हर एक सदस्य को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। मतलब उन्हीं परिवारों में क्या है कि सभी लोग को तो दिक्कत होती ही है जो गरीब हैं, लेकिन कुछ उसी परिवार के कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ संदर्भों में महिलाओं को अगर ले लें, वृद्ध लोगों को ले लें और बच्चियों को ले लें, ठीक है, तो महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाता है। मान लीजिए वैसे तो परिवार गरीब है, ठीक है, हर सदस्य को दिक्कत हो रही है, लेकिन जो दिक्कत हो रही है उसमें भी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा महिलाओं, बुढ़ों और जो बच्चियां हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उनका यूज पुरुष वर्ग करता है, ठीक है। और देखिए, एक आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़े से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये जो है सामाजिक समूह और आर्थिक समूह को आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या दी गई, मतलब 100 पुरुषों में
किस वर्ग में कितने पुरुष जो हैं निर्धन हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो सामाजिक समूह की बात की गई है और दूसरा आर्थिक समूह की। तो सबसे पहले आप देख लें, ये 22 जो है ये भारतीय निर्धनता अनुपात औसत है। ये जो निर्धनता का भारतीय औसत है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो कि 22 है, ठीक है, निर्धनता का औसत। अब देख लेते हैं सामाजिक समूह की, ठीक। तो सामाजिक समूह में देखिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, ठीक है, और अनुसूचित जाति यानी कि SC। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे कम जो सामाजिक समूह हमें देखने को मिल रहा है वो है 29, जो कि SC की है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा निर्धन हो जाएंगे SC में, ठीक है, 29। और देखिए अनुसूचित जनजाति का इसमें दिया है 43। तो अनुसूचित जो जनजाति है इसका जो औसत है ये 80 से अधिक है, ठीक है। तो ये कम गरीब है, ठीक है, कम निर्धन है। अगर सबसे कम निर्धन की बात करेंगे, मतलब सबसे जो ज़्यादा जो दिक्कत में है, ज़्यादा निर्धन है, वो हो जाएंगे अनुसूचित जाति के, हाँ, क्योंकि और जो अनुसूचित जनजाति है उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, करीब इनसे 1.5 गुनी से ज़्यादा है। और देखिए आर्थिक श्रम की अगर हम बात करें, आर्थिक समूह की, तो देखिए अनियमित कृषि श्रमिक जो ग्रामीण में है वह है 34, ठीक है, और अनियमित गैर कृषि श्रमिक जो शहरी में है वो है 34। मतलब दोनों यहाँ पे हमें इक्वल दिखाई दे रहा है, ठीक है, 34 ये भी, 34 वो भी, तो दोनों में लगभग लगभग समान स्थिति है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? तो अभी आपने ऊपर देखा जिसमें आपको अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति ये दोनों समूह सर्वाधिक असुरक्षित हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आपके आसपास कौन से आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है? यहाँ पर देखिए आर्थिक समूह की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आपने देखा ना कि 34% था, तो वो बात हो रही है। तो देखिए शहरी अनियमित मजदूर, ठीक, और दूसरा आपके आसपास का पूछा है, तो आप शहर में हैं तो आप शहर का ही देंगे, ठीक है। तो देखिए शहरी अनियमित मजदूर हो जाएंगे और शहरी निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, तो ये दोनों लोग जो है सर्वाधिक असुरक्षित हैं। और तीसरा जो प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों की को जो है महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को समान पहुंच से वंचित रखा जाता है? न्याय संगत उत्तर दीजिए। इस पे आपको सटीक सा उत्तर देना है, न्याय संगत देना है। तो आप लिख सकते हैं यह सही है कि निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों को महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों की समान पहुंच से वंचित रखा जाता है। यही कारण है कि इन्हें निर्धनों में भी निर्धन माना जाता है। जो महिलाएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको लोग कम तवज्जो देते हैं, ठीक, तो ऐसे में वो और ज़्यादा वंचित हो जाते हैं और इसीलिए उनको निर्धनों में भी निर्धन बोला जाता है। आगे देखिए आपसे 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। क्या है कि जो आपको आंकड़ा दिया गया है उसके आधार पर इसमें सही या गलत का आपको निशान लगाना है। 4th प्रश्न है, ग्रामीण अनियमित श्रम और शहरी अनियमित श्रम आर्थिक श्रेणियों में निर्धनता संख्या समान है? तो देखिए आपको ऊपर आंकड़े में साफ साफ था कि 34-34 दोनों में आंकड़ा दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये बिल्कुल समान है, तो इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्लियर है। देखिए जो 5वां प्रश्न है वो है, सभी वर्गों में सबसे कम निर्धन अनुसूचित जाति में है। तो देखिए आपने वहाँ देखा कि जो ST था, ST का 43 था, ठीक है, और SC का 29 था। तो इस तरीके से सबसे कम जो है SC यानी कि अनुसूचित जाति में है, तो इसलिए ये भी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।